सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। और पता है आज क्या हाल हो गया? आज हो गया कि 11 को वैसे राखी थी ऑफिशियली, बट हल्द्वानी में एक दिन बाद मनाई जाती है, तो होली। क्या बोला तूने? सॉरी, होली कह रहा हूँ, राखी। तो भाई मैं तो एकदम तैयार है, उड़ के बैठ गया था। मुझे लगा कि आज राखी होगी, कुर्ता वर्ता सब लगा था, फिर मुझे निकालना पड़ा कि यार होली नहीं, सॉरी राखी आज नहीं है। यानी कल छुट्टी लेना पड़ेगा फिर शुरू से। ये देखिए मुन्नू भी आ चुकी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो कल ये मेरे को लूटने वाली है अच्छे से, कल ये लूटेगी। ये मिल रही है अपनी सारू से। ये सारू ने ऐसे मुन्नू जिस घर की बहू बनेगी वो घर हंसते रहेगा, खिलते रहेगा। ओले, नानी अपने सारे दुख दुख सुख अब मुन्नू से शेयर करेगी। ओए बोल चल राखी। अब नानी अब बैठ गई है विष्णु पोज में, दासी ढंग से आंख में करना। अब नानी जी साइक्लोप बन जाएंगी, साइक्लोप। क्या बोला तूने? चर्र चिंगारी निकालेंगी आंखों से। आंख बंद करा, आंख बंद करा। ओ पिटंग कर, पिटंग ताल। मैं घर में सोन ले से बा। ओए जब मुन्नू आते तो घर में थोड़ी रौनक आती है, ऐसा है मुन्नू क्या? पता नहीं यार, ये लोग पता नहीं क्यों बोलते। मुन्नू तुम क्या खा रही हो आजकल तुम? यार कुछ नहीं, बस फूल ही रही हूँ। फूल रही, फूल जैसी फूल रही है। कौन सा बेकरी वाला? ओए ये क्या लेके आ रखी मुन्नू? यही तो है मुस्कान का आशिक। अबे साले तुम क्या लेके आ रखे इतने बड़े बड़े बेड, खतरनाक ही देहरादून से। यहाँ भी मिल जाते हैं, बट इसका क्या बनेगा मुन्नू? इसका सैंडविच बनेगा। हाँ पर कल परसों तो खराब नहीं जाएगा भी है। अरे ये कौन सा बन है? अरे ये बहुत सॉफ्ट है, मैंने इसे फ्रिज में डाला है, थोड़ा सा हार्ड हो गया। अरे वाह, ये बचपन में खाते हैं। अच्छा रहेगा। आपको भी टेस्ट करना है? ये भगवान मैंने खाया नहीं, मांगने आते पहले आते हैं। तो यही तो कंफ्यूजन कर दिया कि कलर। हाँ पीला वाला, पीला कलर का, क्योंकि वो मेरे हल्दी में भी काम आ जाएगा ना जब पंकु की शादी होगी। तो मुन्नू आज शाम को ना सैंडविच बनाएगी, देना इतने मस्त मस्त जो बन लेके आ रखे बड़े बड़े। तो उसी का सैंडविच बनाएगी, मैं फटाक से जाता हूँ, मैं लैपटॉप में देखता हूँ कि रेंडर हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम यार, मतलब एक्सपोर्ट होने में फाइल को। अब अरे उठो बाबा, आज राखी नहीं है, आज राखी सावंत है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। देखो इसको ऐसे लेके जाना पड़ेगा, बारिश हो रही है बाबा, इससे पाए पीने बढ़िया मजा। हपड़ टपड़ में रहना पड़ता मुझे। है कपिल को भी राखी बांधना, ठीक है? हाँ और पाशु भाई को भी। और सुन, अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ पाशु भाई चाचा रखते हैं। हे भगवान, दादाजी के बच्चे। पता नहीं था कि पाशु भाई इतने बुड्ढे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। पाशु भाई अपने मामा लगे। पाशु भाई आप हमारे मामा लगे ऑफिशियली। मुझे पता नहीं था कि भाई पाशु भाई मेरे मामा लगे, और मेरे मामा से भी बड़े मामा लगे वो यार, खतरनाक ही। पाशु भाई को अब सब लोग कहेंगे पाशु मामा, ठीक है? क्यों मुन्नू आते तो खाने का आइटम ढेर सारा आता है, ऐसा क्यों मुन्नू? क्योंकि मैं वहाँ यही देखती हूँ। अरे यार कुछ तो यही मैं खाती रहती हूँ, बोलना। मैं खाती रहती हूँ। खाती रहती हूँ, फिर उसके बाद बेडोल जाऊंगी। yes. अरे हार्ट शेप का है तो कमेंट सेक्शन में जरा ये सब हार्ट बना देना आप लोग भी, अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो। इतना अच्छा बनाया है ये। अच्छा हाँ मामी जी ने बनाया है। अरे यार मैं कैसे पकड़ूं? अरे आराम से पकड़ो। जिस घर में जाएगी एकदम चार चांद लगा देगी। ऐसी खिला खिला के सबको एकदम खिला देगी। क्या बोला तूने? वाओ तुम नहीं आका पंखा बंद कर दिया, बोला चला दो, नहीं आ देखो मेरे मालिक को।
भाई साहब कैसा लग रहा है? झम्म लग रहा है, झम्म लगे जी। आज पहली बार हो रहा है ऐसा। कल तू राखी में कितना लूटेगा? कल तेरी जेब ढीली होने वाली है मुझे लग रहा है। जेब गरम करके जाना। माचिस दूं? अबे साले। ये। हेलो करो सब लोग। हेलो हेलो यस ब्लॉग है आपका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु नाम है। ब्लॉग का नाम हिमांशु बांगती। यस आप क्या कर रहे हो? गाड़ी साफ। अरे वाह शाबाश, अच्छे से करना साफ। कर दी ना। हाँ अच्छा, इसमें इसमें कोल्डिंग डाल दी? नहीं। हो गुड बॉय गुड बॉय। इससे गंदा कर दिया क्योंकि आप क्या कर ले हो? मैं तो यहाँ पे गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी में आपका गुड नेम क्या? आपका मनस्वी। क्या क्या? मनस्वी। ओह नाइस नेम। और इनका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? शिव। और आपका? मेरा? हाँ वाओ यार सही में यहाँ पर। और इनकी फोटो कितनी अच्छी आ रही है, वीडियोस कितने अच्छे आ रहे हैं। ओह ऐसे नहीं फेंकना, सफाई कर रहे हो। पापा डांटेंगे आपके? पापा की है ना। अच्छा इसलिए गंदा नहीं होना चाहिए। हेलो मनस्वी। हेलो कैसी हो? मनस्वी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? एलकेजी। ओ अभी एलकेजी में पढ़ते हो? ओ और आप शिवा आपका कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। और आप? आपका नाम भूल गया मैं। मरियांश। ये इसको कौन करेगा? बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार। और यहाँ पे व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तुम लोग की फोटो कितनी अच्छी आ रही है पता है? वीडियोस ये सूखने से ना अपने आप सूख जाएगा। ये तो पीछे में रहे मनस्वी, यहाँ से हेलो करी। हेलो ऐसे करो। मेरा ना हिमांशु नाम है। और आपका ब्लॉग का नाम? हिमांशु बांगती नाम है। यस सच्ची में ब्लॉग बना रहे हो? यस नहीं बनाओ आईफोन? यस नहीं बनाओ बना लो। लाइक कितने आपके? मेरे इसमें ना 1400। भाई साहब यस। क्या कौन सा? क्या सब्सक्राइबर? सब्सक्राइबर 14। हाँ 100। कपड़ा दिया? अरे नाइस। तो ये लोग बड़े चालू है। बताया इन्होंने क्या किया? इसमें कोल्ड ड्रिंक डाली थी और ऊपर से साफ कर गई। हाँ वो पानी और वो चुपचाप साफ करने में लगे हुए। शाबाश। अरे मिस्टर पाशु भाई वो देखो, सबसे पहले तो पाशु भाई प्रणाम। प्रणाम वो देखो, क्योंकि आप हमारे मामू हो। मामू तो ना आपको किया कहते हैं प्रणाम। कोरोना आप तो अपने मामू निकले। और हिमानी के तो आप चाचू निकले। चाची तो है उसका चाचू। सो गाइस कमेंट में जरूर बनाइएगा एक नारंगी वाला दिल और उसमें लिखना पाशु मामू। नारंगी और लिख देना सारंगी। सारंगी अच्छा सारंगी लिख देना सारंगी। तो मौसम एकदम सही हो रहा है यार, ऊपर साइड में तो ठंडा एकदम। यहाँ से ना आर्थर का शॉट लेता हूँ, बहुत अमेजिंग आता है पता है। अभी तो बिल्कुल फॉग वगैरह भी नहीं हो रखा है। तो यहाँ देखो सीधे
अच्छा ये जगह तो मेरी फेवरेट जगह ही है, क्योंकि यहाँ पर आप आओ आराम से, यहाँ पर खाओ बैठो और एकदम शांति है, यहाँ हल्ला गुल्ला भी नहीं होता है और चारों तरफ ना हरियाली हरियाली दिखती है, बेस्ट पार्ट। भाई पाशु बैठा तो मन से कहता कि बैठ दो, दो चार ज़्यादा सिनेमेटिक शॉट ले दो पाशु भाई, अब वो लेते नहीं लेते दिखते भी। यहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर पाशु भाई, कैसे ही फोटो इसने सेटिंग खराब कर रखी है, ले गुद्दी पे पाशु, ले गुद्दी पे, आवाज आती इसमें चट्टे वाली देना। रसमलाई खाओगे? सिर्फ मलाई खाऊंगा, रस तो कोई और है। तो भाई एक रसमलाई खिलाओ ना पाशु भाई, पहले रो कपिल की तरह, उसके तरह जैसे कपिल के सामने रो रहा है। पाशु भाई खिलाओ। अपने पाशु मामू आज मेरे को रसमलाई खिलाएंगे, पाशु मामू। थैंक यू पाशु भाई, फटो फटो मेरा रसमलाई, मेरा रसमलाई ना गिर जाए भाई, फटो 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 फटो, कुछ भी हो जाए रसमलाई नहीं गिरना चाहिए बस। आहा मजा आ गया पाशु भाई, 100 साल और जिए हैं। सही पकड़े हैं पाशु मामू, सॉरी। आहा मजा आ गया, मुझे लेना नहीं था, मुझे तो खाना था। जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा इसलिए आया तुम्हें से। यस पाशु भाई, तो कल जेब ढीली करने तैयार हो अब? आर यू रेडी जेब ढीली करने के लिए? हाँ 10 रुपए बचे। किसको? अरे गब्बर रे, तू कहाँ जा रही है रे गब्बर? तो गब्बर तेरा ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। क्या बोला तूने? गब्बर तेरा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है भाई, तेरा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है भाई। अबे बाउली बेल, बुढ़ापा मेरा सर चढ़ के बोल रहा है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, चश्मा घर बुलाऊं, ऊपर से तू यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहा है, चल निकल साले यहाँ से। गजब बेइज्जती है, लोग का ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है पिंकू? टिंकू ग्राउंड क्लियरेंस किंता है पाशु भाई, बाबा हमारा ग्राउंड क्लियरेंस तो कम हो रहा है। क्या बना रही है? कबाब। ये कबाब है? अरे बाप रे, ये दस रहे बड़ा बेसन का लड्डू। सही पकड़े हैं। हाँ यार सच में बेसन का लड्डू लग रहा है। अपने प्याले प्याले हाथों से देखो कैसे ये बना रही है, ताकि कबाब बन सके रे। कबाब? कबाब में हड्डी कौन है रे? कबाब खा ले, कबाब कबाब ना खा ले, कबाब ये खाए, ठीक है वेज कबाब। अच्छा हे भगवान, नानी जी भी बीच में टोंट मार दे, आप लोग खाओगे, तुम लोग खाओगे, मैं नहीं खाऊंगी, और क्या बीच में टोंट के मारन छी, बीच में इधर काउंटर के मारन छी मिदी मैं है ते खा ले, मैं नहीं खोले, मेरे खाप नहीं चाहिए कभी की गंजे। हजो कोन्यो हजो कोन्यो कच कच खाए, एक ही खाए, दुई चार पांच छह सब खाए। कबाब खा, जी भी काउंटर मारती हैं, खतरनाक ही है। कपिल अलग से काउंटर मारता है, पाशु भाई अलग से काउंटर मार रहे, सब काउंटर पे काउंटर मार रहे हैं।
हमारे तो किस्मत ही खराब है, इनको सिखाया ही हमने काउंटर मारना। ये तो सच में बहुत सही लग रहे हैं मुन्नु। सुंगू में सुंगू से सुंगू स्मेल नहीं आ रही लेकिन। अबे साले खाई आधे खाई नोनू इमान। हाँ ये नहीं खा पाती एक्चुअली, दादी नानी के दांत नहीं है ना इसलिए। मैं चबा पे खिला दूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वो हिमानी का था ये मेरा है। अरे बड़े बाप रे। खा तो बड़ा भयंकर लिया, हैवी कितना था, लेकिन मुनमुन ने सीरियसली करा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। और वो हमेशा ऐसी करती है, जब भी आती है ना कुछ तो चटक पटक चीज़ बनाती रहती है। एंड थोड़ा सा घर का माहौल भी है ना एकदम हंसमुख वाला हो जाता है, बिकॉज शी इज़ वेरी काइंड ऑफ वेरी चौली। तो फटाफट मैं ज़रा एडिटिंग वगैरह कर देता हूँ, बिकॉज कल सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि राखी करना सिस्टम बड़ा अजीब सा हो रखा है कि कुछ यू नो सात मतलब आज दिन के कुछ ऐसे वजह से लेके इतने बजे तक राखी बांधना है, और कहते हैं फिर कल सुबह के 7 बजे तक पता नहीं राखी ओवर हो जाएगी, और सुबह 7 बजे से पहले पहले राखी बांधना पड़ेगा। पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, बट ये है कि अगर कल सुबह सुबह जल्दी उठना है और सीधे नहा धो के राखी बंधवानी है। ओके तो भाई चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बनते रहेंगे आपसे हम डेली ब्लॉग में। बाय बाय।